कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामणी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके विरोध में बुधवार को शाजापुर के कर्णी सेना के लोगों ने हाईवे पर जाम कर दिया और कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें मांग की गई कि हत्यारे को 24 घंटे में गिरफ्तार कर उनका तुरंत एनकाउंटर कर दिया जाए। इसके पूर्व कर्णी सेना के कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप धोबी चौराहे से पैदल मार्च निकालकर लालघाटी स्थित कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। कलेक्टर कार्यालय के सामने कार्यकर्ताओं ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर किशोर कन्याल को ज्ञापन सौंपकर हत्यारों को 24 घंटे में गिरफ्तार करने की मांग की गई। कर्णी सेना के प्रदेश सचिव अजीत डोडिया ने बताया कि हत्या की घोर निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, 24 घंटे में हत्यारे को गिरफ्तार करें अन्यथा कर्णी सेना और उग्र प्रदर्शन करेगी। हमने जगह जगह पर धरना प्रदर्शन किए हैं, रोड जाम किए हैं और हम मांग करते हैं कि हत्यारों को 24 घंटे के अंदर जिस दिन भी पकड़ा है उनका तुरंत एनकाउंटर हो और पीड़ित परिवार को पूरी तरीके से मुआवजे की घोषणा सरकार करे, प्रशासन करे एवं उस परिवार को न्याय दिलाए। आज क्या मांग रहे हैं? हमारे सुखदेव दादा के साथ में बहुत ही निंदनीय है और यहाँ पर कर्णी सेना परिवार समाज के लोग और सर्व समाज के लोग सरकारों से एवं प्रशासन से मांग करते हैं कि जिन लोगों ने सुखदेव दादा की हत्या की है, एक समाज के गौरव का अंत किया है, इन लोगों ने धोखे से जिन लोगों ने गोली मारी है उन लोगों को तुरंत हाथों हाथ हम लोग एनकाउंटर की मांग करते हैं। साथ ही पीड़ित परिवार को हम मुआवजे की मांग करते हैं। अति शीघ्र इस पर कार्रवाई हो, इसीलिए आज कर्णी सेना परिवार यहाँ पर शाजापुर में इकट्ठे हुए हैं। अभी कलेक्ट्रेट में हम जाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से हम धरना प्रदर्शन करेंगे एवं ज्ञापन सौंपेंगे। साथ ही यदि अति शीघ्र इस चीज़ का निर्णय नहीं होता है तो हम लोग शाजापुर बंद का भी आह्वान कर सकते हैं, परंतु आज हमारा यह धरना प्रदर्शन रहेगा, ये निर्णय फिर अगली कड़ी में लिया जाएगा। धन्यवाद। ग्राइंड भारत टीवी के लिए शाजापुर से शब्बीर अत्तर की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना।